गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं सौरव जोशी के बारे में। तो सौरव जोशी को मतलब कि जितने भी फैंस हैं बच्चे हैं तो मतलब कि वो मिलने आते हैं और वहाँ पे उनके पेरेंट्स बताते हैं कि सौरव जोशी के जितने भी फैंस हैं उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है और वो यूट्यूब पर ध्यान दे रहे हैं, यूट्यूब पर व्लॉग वीडियो या फिर वीडियो बना रहे हैं। तो उस पर सौरव जोशी ने क्या कहा है आप देखिए। ना काफ़ी बच्चे आते हैं, यूथ आते हैं, उनके पेरेंट्स भी आते हैं साथ में, वो बोलते हैं कि हमारे बच्चों को भी यही करना है, हमारे बच्चों को भी सुपर कार चाहिए, उनको भी घर बनाना है और इसलिए हमारे बच्चे पढ़ाई नहीं करते, हमारे बच्चों को भी यूट्यूबर बनना है, हमको अपने बच्चों को यूट्यूबर बनाना है, तो पढ़ाई वढ़ाई के बारे में सोचते ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं सोचते। सब बात करते हैं परिणाम मलान के बारे में। तो आपको पता होगा इनका रिसेंटली जो इनका चैनल था वो हैक हो चुका था, जिसका मतलब कि चैनल का नाम था मिशेल शायर, मतलब कि उनका जो 31 लाख उनके सब्सक्राइबर थे वो चैनल हैक हो चुका था। इस पर कहानी पूरी स्टोरी उन्होंने अपने वीडियो में बताई, आप देखिए वो क्या कहे। तो मैं बताती हूँ आपको एग्जैक्टली हुआ क्या था। यूजुअली हम किसी लिंक क्लिक नहीं करते, यूजुअली क्या हम कभी क्लिक करते ही नहीं है, मतलब दैट्स द फर्स्ट रूल कि अगर आपको कोई भी लिंक्स आ रहे हैं आपको कभी उन पे क्लिक नहीं करना, नॉर्मली भी सबको पता है। तो हर्ष को ना एक्चुअल में GoPro की तरफ से एक मैसेज आया। एग्जैक्टली मैसेज क्या था, वो आया था GoPro.us.com, प्रॉपर वेबसाइट का नाम लिखा हुआ था और उसमें कुछ था उनके कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं। तो हर्ष को आ गया लालच। मैंने इसे बोला, 3-4 बार वॉर्न किया, मैंने कहा हर्ष ऐसे ना कोई कैटलॉग PDF में नहीं देता है एक्सेस करने को, तो तू ना मतलब इस चीज को इतना लाइटली मत ले। और ये मॉर्निंग में आके मेरे को बड़े मजे से कहता है प्रेरणा यार देखना बड़े एक्सक्लूसिव नए नए प्रोडक्ट्स हैं, मैं दिखाता हूँ तेरे को। और इसने एक्सेस किया, दिखी नहीं हुई, क्लिक ही नहीं हुई, वो ओपन नहीं हुई, ठीक है बात खत्म। वही 3 बजे के करीब फिर हैकर्स को एक्सेस मिल गया होगा, उन्होंने भाई हैकिंग वगैरह स्टार्ट कर दी। इन सारे इवेंट्स को देखने के बाद हमें यही लगा कि लिंक तो हमने क्लिक नहीं किया था, PDF वाले ही पे क्लिक करने के बाद ये सब हुआ। मोस्ट लाइक इसी पर रिएक्ट करते हुए फुकरा इंसान ने बताया कि ऐसे लोगों मतलब कि जो ये हो रहा है मतलब कि हैकिंग वगैरह इसको लेकर उन्होंने सपोर्ट देखने को मिला, आप देखिए वो क्या कहे। जो फेमस होते हैं क्रिएटर्स और जिनके फॉलोअर्स ज्यादा होते हैं वो थोड़ा उनको जल्दी इजी भी होता है थोड़ा रिकवर होना अकाउंट, पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं इंस्टाग्राम्स पे जो मतलब राइजिंग इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके पास इतने सोर्सेज नहीं और उनका इंस्टाग्राम हैक हो जाता है ना, तो मतलब मुझे बुरा लगता है, माई हार्ट गोज आउट टू यू गाइस। बट अगर किसी का ऐसे इंस्टा हैक होता है और अगर नहीं आ पाता तो गाइस यू ऑलवेज हैव मी, DM मी एंड मतलब कॉन्टैक्ट करो, मैं जितनी हेल्प कर सकता हूँ मैं करूँगा। क्योंकि आज जब मैंने ऐसे प्रेरणा दीदी की हालत देखी तो मैंने कहा कि सब मेरे को रियलाइज हुआ कितने सारे क्रिएटर्स होते हैं जिनके हैक होते हैं, तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। सो गाइस सब बात करते हैं मुनव्वर फारूकी के बारे में। तो मुनव्वर फारूकी के मतलब कि जो सामने अभिषेक कुमार थे, अगर उसकी जगह यूके राइडर होते तो फिनाले में कौन जीता, इसके ऊपर क्रेजी दीप ने वीडियो बनाते हुए रिएक्ट किया और आप भी कमेंट में जरूर बताना कि कौन जीता अगर यूके राइडर सामने होते तो। तो पता है कि मैं यूके 07 का फैन बिल्कुल नहीं हूँ, मेरी लास्ट वीडियो उस बंदे पे डिस्ट्रैक्ट थी, लेकिन ये जो सीजन था ये पूरा चला है सिर्फ यूके 07 की बदनामी से। जितनी TRP नहीं मिली ना इस बार बिग बॉस को, उससे ज्यादा तो वो जो जोकर सॉन्ग है उस पे व्यूज बढ़ गए। लेकिन कुछ भी बोलो, ये अगर फाइनल में यूके 07 वर्सेस मुनव्वर फारूकी हो जाता तो 110% यूके 07 राइडर जीत जाता।